आई हॉस्पिटल से चार आदमी का हाथ निकाल दिया गया, जिसमें चार आदमी और आदमी इधर उधर आया नहीं था, निकाल कर करके आ बोला कि ऊपर में जाइए, बोला कि उठाइए बोरा बिस्तर घर चल जाइए। हम बोले काहे जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ इतना कह देते कि हमें बिहार का सबसे टॉप डॉक्टर चाहिए जो हमारे घर पे इलाज करे, तो सारा सेटअप लेके डॉक्टर साहब पहुंच जाते, उनका इलाज कर सकते थे। लेकिन उनको बिहार के डॉक्टरों पे ही भरोसा नहीं है और दिल्ली में चले गए अपना आँख का इलाज कराने। तो ज़रा सोचिए बिहार के लोगों के साथ क्या होगा। और अभी जहाँ पे आप खड़े हैं ये मुजफ्फरपुर है और यहाँ पे आँख फोड़वा हॉस्पिटल है जो लोगों का आँखों को फोड़ देता है। होगा पटना का PMCH, पटना का IGIMS, कैंसर के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है IGIMS, और भ्रष्टाचार नामक कैंसर जो है उसका दीवाल गिरा देता है और गरीब दीवाल के अंदर दब के मर जाता है। ये घटना कम से कम 27-28 के हमारे नजरे में है, और इसके बाद बाहर का है वो लोग बउआ रहा है यही घटना के आंतरिक। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले मुजफ्फरपुर में हम अभी मौजूद हैं, और ये है SKMCH जो कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। अभी काफ़ी चर्चे में फिर से मुजफ्फरपुर आया है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यहाँ अकफोड़वा वाला खेल खेला जा रहा है। हाल ही में ISP अस्पताल मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों का आँख का ऑपरेशन होता है और उन्हें अपना आँख गंवा देना पड़ता है। यहाँ पे उनके कुछ अटेंडेंट हैं, उनके घर के परिजन हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। हम लोग तो अपने माँ को ऑपरेशन कराने आए थे। 21 तारीख कब आए थे? 21 तारीख को आए थे। तो क्या हुआ उस दिन? 21 तारीख को भर्ती किया और 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद उनका आँख ही का स्थिति बिगड़ते गया और डॉक्टर उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके कल होकर के बोला कि नाम काट दिया, बोला घरे जाओ। तो घर पर जा कर के पट्टी खुले तो माँ का आँख से दिखाई ही नहीं दे रहा था, पस निकल रहा था आँख से और पानी गिर रहा था। तो फिर माँ को लेकर के आए आई हॉस्पिटल। यहाँ का डॉक्टर हम लोग को 10 आदमी को पटना भेजा देखने के लिए। डॉक्टर से डॉक्टर बात कर लिया, अपना जो गलती है सो बात कर लिया। हम लोग गए पटना दिखाने, वहाँ बोला कि इन्फेक्शन हो गया आँख में। फिर वहाँ 2 बजे रात के वहाँ से यहाँ आए, फिर दवा उवा दे करके भेज दिया घरे। फिर भी माँ का दर्द माथा का ठीक नहीं हुआ, नींद नहीं पड़ा, उल्टी होते रहा, बेचैनी होते रहा। फिर घर पर आए, फिर वहाँ से लेकर के फिर आई हॉस्पिटल हम लोग आए। तो फिर आई हॉस्पिटल आए तो 27 तारीख को शनिवार को हमारे माँ को आँख निकाल दिया गया, और आँख निकाल करके बोला कि इसे आई हॉस्पिटल से मेरे चार आदमी का इस हॉस्पिटल से आँख निकाल दिया गया। आई हॉस्पिटल से चार आदमी का आँख निकाल दिया गया, जिसमें चार आदमी और आदमी इधर उधर आया नहीं था, निकाल कर करके आ बोला कि ऊपर में जाइए, बोला कि उठाइए बोरा बिस्तर घर चल जाइए। हम बोले काहे जाएंगे घर, हम नहीं जाएंगे अभी। माँ का इतना बड़ा आप लोग लापरवाही से हमारी माँ की आँख खराब हो गई है। हमारी माँ को कोई नहीं, बेटा देखने वाला कोई नहीं है। हम मजदूरी करके माँ का पोषण पालन करते, अब तो इसका जिंदगी अंधेरा में हो गया, इसके साथ साथ मेरा भी जिंदगी अंधेरा में हो गया। ये घटना कितने लोगों के साथ हुआ है लगभग? ये घटना कम से कम 27-28 के हमारे नजरे में है, और इसके बाद बाहर का है वो लोग बउआ रहा है यही घटना के आंतरिक। और इसमें से अभी 21-22 आदमी का आँख निकालने का पूरा ये हो गया। इधर आ जाइए 22 आदमी का आँख निकलेगा ही, अभी 9 आदमी का पटना में ले गया है, यहाँ भी और निकला है आँख का। हम लोग 4 आदमी का पहले का, 3-4 आदमी का और निकाल करके उसको घर पर भेज दिया गया है। सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं इसको लेके? इसके कि हम लोग का अंधेरा जिंदगी हो गया, मेरी माँ को अंधेरा जिंदगी हो गया। माँ को छोड़ करके हम काम भी नहीं कर सकते हैं, उनको लड़का नहीं देखभाल करता है। हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको आप लोग सब मिल कर हमको मुआवजा दिलाए। देखिए सबके शरीर का सबसे बड़ा अंग आँख होता है, और किसी का गरीबी के चलते आँख ही चला जाए तो वो क्या करे। एक गरीब अपना आँख बनवाने के लिए सरकारी अस्पताल जाता है ताकि उसका पैसा माफ़ हो, यानी कि कम खर्च में उसका आँख बन जाए, लेकिन वो इस हालात में जाता है कि उसका आँख बने और उसके आँख को ही समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या। किसका आँख बनवाने के लिए आप लाए थे आई हॉस्पिटल? हम अपने पत्नी को लाए। क्या हुआ उस दिन? वो 21 तारीख को उसको जांच करवाए, अब 22 का उसको ऑपरेशन हुआ। फिर क्या हुआ उसके बाद? 22 को जब ऑपरेशन हुआ तो रख दिया एक रूम में,
और देखभाल रात भर भी नहीं हुआ। कल होकर के उसको काला चश्मा और 10 टैबलेट और 2 और दर्द वाला गोली यही रख करके दिया कि जाइए फिर अगले सप्ताह मंगलवार को आइएगा। तो मंगलवार को गए, मंगलवार को जाते वक्त इधर उधर रूम में चेक हुआ। अब चुपचाप हमको एम्बुलेंस में बैठाया और लेकर के यहाँ पर रख दिया और चले गए। तो अभी तक आप लोग यहीं पे हैं? जी, आँख निकल गया। आँख निकाल गया यहीं पे? जी। कितने पेशेंटों का आँख यहाँ पे निकाला गया लगभग? यहाँ पर हम आए हैं उस दिन लगभग 9 के निकला, 2 पहले से कराए थे और उसको बाद में फिर आया है तो आज 1 लाद करके पटना भेज दिया गया। अभी आपका पेशेंट यहीं पे है? हमारा पेशेंट यहीं है, जिसका आँख निकाला गया है वो सब यहीं है। 12% यहाँ पर है अभी। अच्छा, 12% यहाँ? जी। अब आपको बता दें कि वहाँ आई वार्ड में 12 है लेकिन हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया है। जब हम लोग पेशेंट के पास जाने की कोशिश किए तो हम लोगों को रोक दिया गया और कहा गया कि महाप्रबंधक महोदय जो हैं उनके द्वारा मना किया गया है कि आप लोग पेशेंट के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट के घर वाले हैं, परिजन हैं, उन्होंने बताया कि अभी भी आई वार्ड में 12-13% अभी अवेलेबल हैं, अगर हम लोग जाते हैं तो शायद कोई सच्चाई हो जिसे हम लोग खोल के रख दें। हमारे साथ सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप हैं, ये गए थे प्रबंधक महोदय से बात किए क्या कुछ हुआ ये हम इनसे जानते हैं। जब हम लोग को रोका गया तो आप महाप्रबंधक महोदय से जाके बातचीत किए, क्या कुछ हुआ वहाँ? हम इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसीलिए हम हर जगह नहीं जा सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय हर जगह जा सकते हैं। प्रबंधक महोदय से मैंने डायरेक्ट बोला, वीडियो है मेरे पास, कि आपके पास 2 है सर, एक हम आपसे कुछ कड़वे सवाल पूछेंगे, ऐसा ही बोला हूँ मैं। उसका जवाब देने के लिए आप क्या तैयार हैं? तो सर ने बोला कि दूसरा ऑप्शन। मैंने बोला दूसरा ऑप्शन कि मैं बाहर जाऊँगा, अनियमितता को दिखाऊँगा और चीखूँगा चिल्लाऊँगा। तो प्रबंधक महोदय ने डायरेक्ट बोला कि आप बाहर जाइए, आप दूसरा ऑप्शन अपना सकते हैं। मतलब कि प्रबंधक महोदय को कोई डर नहीं है, हम मीडिया वाले आए चीखे चिल्लाएं दिखाएं, वो इसलिए डर नहीं है कि सरकार इन पे तो कार्रवाई करेगा नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज कि यहाँ का जनता जो है वो जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता और इतना बड़ा समस्या हर साल SKMCH में होता है, कभी चमकी बुखार के वजह से बच्चे मरते हैं, अभी लोग बोल रहे हैं कि गंदगी के वजह से लोग मरते हैं, अभी आप ऑर्थो वार्ड में चले जाइए, वहाँ पे जिनका ऑपरेशन 2 में हो जाना चाहिए उनका ऑपरेशन 2 बाद हो रहा है, ताकि आप यहाँ से अपने पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल में लेके चले जाइए। इस वजह से अब बॉल नहीं है, दवा नहीं है, एक्सरे के लिए पैसा लग रहा है, MRI के लिए 4500 लग रहा है, तो कैसा ये सरकारी अस्पताल? तब लोग प्राइवेट में ही जाएंगे ना। और संजोग से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो 16 साल में 7 मुख्यमंत्री बन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, हम हवा में बात नहीं करते हैं, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि 16 साल में 7 मुख्यमंत्री बनने का उनका रिकॉर्ड है। वो मुख्यमंत्री जी भी अपना आँख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को खुद के स्वास्थ्य व्यवस्था पे भरोसा ना हो, वो अपना ही आँख बनवाने के लिए अपने राज्य से बाहर दिल्ली जाके अपना आँख बनवाते हैं क्या? जबकि देखिए, मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ इतना कह देते कि हमें बिहार का सबसे टॉप डॉक्टर चाहिए जो हमारे घर पे इलाज करे, तो सारा सेटअप लेके डॉक्टर साहब पहुंच जाते, उनका इलाज कर सकते थे। लेकिन उनको बिहार के डॉक्टरों पे ही भरोसा नहीं है और दिल्ली में चले गए अपना आँख का इलाज कराने। तो ज़रा सोचिए बिहार के लोगों के साथ क्या होगा। और अभी जहाँ पर आप खड़े हैं ये मुजफ्फरपुर है और यहाँ पर आँख फोड़वा हॉस्पिटल है जो लोगों का आँखों को फोड़ देता है। हमेशा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरपुर विवादों में रहता है, कुछ दिन पहले चमकी बुखार को लेकर विवादों में था। पत्रकार महोदय आपको कम जानकारी है, पूरा बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विवादों में रहता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी होता तो ये आप ये बात कहते। बिहार का एक जिला बता दीजिए जहाँ के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्ता नहीं सोता है, एक जिला बता दीजिए जहाँ के सरकारी अस्पताल में दलाल नहीं घूमते हैं, एक जिला बता दीजिए जहाँ के सरकारी अस्पताल में सारी दवाएं मिलती है, एक जिला बता दीजिए जहाँ पे सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज समय पे सही ढंग से हो जाता है, एक जिला बता दीजिए जहाँ पे गरीबों के लिए कुछ योजनाएं हैं कि गरीब अच्छे ढंग से अपना इलाज करा सके। तो सिर्फ मुजफ्फरपुर को आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं, पूरा बिहार की स्थिति ऐसी ही है। लेकिन हमेशा ट्रेंडिंग में और विवादों में मुजफ्फरपुर जिला रहता है। बेतिया में आप जाके देखिए 62 वेंटिलेटर में से सिर्फ और सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहा है, 57 वेंटिलेटर जो है वो ख़राब है। मोतिहारी में आप जाके देखिए एम्बुलेंस को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है,
सिवान में जाके देखिए, मंगल पांडे का गृह जिला है, वहाँ पे लोगों का इलाज नहीं होता है सही ढंग से। घूमिए तो सही, पूरा बिहार घूमिए, पूरा बिहार के अस्पताल में जाइए। छपरा का राजीव प्रताप रूडी जी का अस्पताल, उसका क्या स्थिति है वो आपने देखा होगा। पटना का PMCH, पटना का IGIMS, कैंसर के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है IGIMS, और भ्रष्टाचार नामक कैंसर जो है उसका दीवाल गिरा देता है और गरीब दीवाल के अंदर दब के मर जाता है। अरे घूमिए लोग, पूरा बिहार में अस्पताल की स्थिति यही है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि गरीबों को हमारी बातें जो है ना बहुत अच्छी लग रही होगी, अरे भैया बात तो बड़ी बढ़िया बोला था, एकदम हमर दिल के बात बोला था, लेकिन वो हमारी सारी बातों को जो है चुनाव के एक महीना में भूल जाते हैं, और एक महीना में उनके ऊपर जाति वाला धुन, पार्टी वाला धुन, पैसा वाला धुन सवार हो जाता है। उस समय वो सारे चीज़ों को भूल जाते हैं और उसके बाद से आँख फोड़वाने आ जाते हैं। जब पत्रकार हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। PMCH में तो ये नियम भी लग चुका है कि PMCH में पत्रकार नहीं जा सकते, अगर ज़बरदस्ती अगर जाते हैं तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है और फिर भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है। बिहार में पत्रकारों की संख्या कम से कम 1,00,000 से ज़्यादा है, 12 करोड़ जनसंख्या वाला बिहार में 1,00,000 से ज़्यादा पत्रकार है। पत्रकार अगर यूनाइट होते, आवाज़ उठाते, जब PMCH जैसे अस्पताल में कुत्ता जा सकता है, कुत्ता आप जाके देखिए, कुत्ता है PMCH अस्पताल में, दलाल जा सकता है, आप जाके देखिए दलाल है, तो कुत्ता और दलाल जब PMCH अस्पताल में जा सकता है तो पत्रकार क्यों नहीं जा सकता है। यानी PMCH अस्पताल अभी भी गुलाम है, उसको आज़ाद कराना ज़रूरी है, और आज़ादी के लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, आज़ादी के लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। इन्हीं हमारे साथ एक और परिजन है जिनके घर के व्यक्ति अखफड़वा के शिकार हुए हैं, आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर मेरे पापा का जो है आँख में परेशानी आ रही थी, उनको जो है दिखाई नहीं दे रहा था, इस कारण से हम लोग जो है 21 तारीख को गए थे आई मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो भर्ती कर लिया गया, बोला गया कि 22 तारीख को ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसे ही करके 22 तारीख को जो है दोपहर में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है उनको लगातार उल्टी आना शुरू हो गया। रात को हम कितना बार कंप्लेन लेकर जो है वार्ड में गए, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं किया गया, सब लोग सो गए थे। सुबह हुआ वो आए पट्टी बदले, सबका पट्टी बदलते समय किसी का आँख खुल नहीं रहा। कितने लोग थे? लगभग 65 लोग थे वहाँ पर, किसी का आँख जो है खुल नहीं रहा था पट्टी बदलने के बाद। हम कहे कि सर देखिए अभी आँख नहीं खुला ना, वहाँ से बोला गया नहीं घर जाइए ना, घर जाइएगा धीरे धीरे आँख खुल जाएगा, लेकिन जो है वह परेशानी नहीं हो। फिर हम 5 दिन के बाद यहाँ पर आए तो बोला गया ठीक है आप SP सिन्हा के यहाँ पर जाइए, आपको पूरा टोटल खर्चा जो है हम जो है देते हैं। वहाँ पर गए, वहाँ पर 10 साल का मांग किया गया, कहा कि इन्फेक्टेड आँख है, आपका जो आँख निकलना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर आए, कहे कि सर 10 साल का मांग कर रहा है, मेरा 500 का हम पुर्जा भी कटा है, लेकिन कहा कि हम इसका हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं। कौन बोला था कि खर्चा हम देंगे? वहाँ पर जो पुर्जा काटते हैं ना वो वही बोले थे, आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में पुर्जा जो काटते हैं वही बोले थे कि ठीक है यहाँ इन्फेक्टेड है, आप जो है SP सिन्हा के यहाँ पर जाइए, जो वहाँ खर्चा होगा हम आपको मुहैया करवा देंगे। लेकिन जो है उसका मेरा खर्चा भी वहाँ पर जो है लग गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोला कि ना आप संस्था जहाँ भेजेगी वहाँ आपको जाना पड़ेगा। आए दिन भर जो वहाँ पर खड़े रहे एक पैर पर, तो शाम में जो हम लोग को SKMCH भेजा गया, यहाँ पर आया तो उसके कल होकर जो है आँख निकालना पड़ा, यहाँ पर आँख निकाल लिया गया जी। चलिए आप देख रहे हैं कि समस्या के शिकार लोग होते जा रहे हैं, गरीबी के शिकार होते जा रहे हैं, गरीबी के कारण सरकारी अस्पताल जाते हैं और वहाँ अपने आँख का इलाज कराते हैं और अंततः अपने आँख को खोना पड़ता है।